हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज क्लास टेंथ का है केमिस्ट्री, जिसका छठा लेक्चर है आज। क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर इसका वन है। केमिस्ट्री है जो चैप्टर वन है और लेक्चर इसका आज है वो छठा है। इसके पिछले वीडियो में हम बता दिए, पिछले लेक्चर में बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हम दो को बताए थे, एक संयोजन या संश्लेषण या योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा वियोजन के बारे में बताए थे। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार भी बता दिए थे। आज तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो चलते हैं अब सीधे बोर्ड की ओर। तीसरा विस्थापन विस्थापन अभी क्रिया विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है एकल विस्थापन या इसे बोल सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तीन नामों से जाना जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन और प्रतिस्थापन। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा इसका लिख लेंगे वैसी रासायनिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी औगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा इसका लिख लिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी औगिक में उपस्थित परमाणु
या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 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 अगर लोहे को कील को लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में विलयन विलयन में डाली जाती है तो क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ कि कह रहा है लोहे, तो लिखेंगे एफ ई और एफ ई को क्या करना है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब क्या होने वाला है वो आगे देखें। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो लोहा जो है वो कॉपर को क्या करेगा विस्थापित कर देता है, क्या करेगा तो विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो ए हो जाएगा प्लस, ए होगा प्लस और ए हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ कि जो कॉपर है और आयरन, आयरन और कॉपर इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील है, कॉपर से अत्यधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा ये कि अधिक क्रियाशील है, मतलब अगर अगर कहीं कहीं पे भी एक व्यक्ति वो पति और पत्नी या अपना दोस्त हो जिसमें एक प्लस और दूसरा माइनस, समझ गए होंगे प्लस माइनस का मतलब कि एक पुरुष और दूसरा नारी, क्या करेगा यहाँ कि एकरा से कॉपर से इस शक्तिशाली है और इसका नज़र जा रहा है किसके पास, किसके पास जा रहा है तो नारी के पास, क्या करेगा कि ये तुरंत इसको दो थप्पड़ लगाएगा तो तुरंत ही क्या होगा अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ बन गया है CEO। और ये क्या करेगा तब ये केकरा से सेटल हो जाएगा जेकरा पर एकर नजर था, बनेगा FeSO4, मतलब ये हो गया आयरन, आयरन एक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आई हो गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट अब ए बन गया है कॉपर, कॉपर ये क्या क्या तो ए मतलब कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो आयरन क्या करता है कि कॉपर को विस्थापित कर देता है एक जगह से दूसरे, मतलब वो हटा देता है। चलो तो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल कि यदि जो हम
जिंक को किसको, यदि जो हम अगर जिंक को, जिंक मतलब जेडेन को, जिंक को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डाली जाती है तो फिर वही बात है कि यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस। फिर यहाँ हुआ है कि जो कॉपर है और जिंक, इन दोनों में देखा जाए तो अधिक क्रियाशील कौन होगा, तो जिंक होगा। अब फिर से अब ये जिंक का नज़र किस पर रहेगा, SO4 के साथ, तो इधर से जाएगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस, अभी अकेले जाएगा बाहर Cu। ये था विस्थापन अभिक्रिया का दो एग्जाम्पल दे दिए। अब इसके बाद जो अगला है, अगला इसके बाद है, ये तो हो गया विस्थापन तीसरा, चलते हैं अब चौथे की ओर। चलो अगला है उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक नाम और है जिसका नाम है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया कह दो या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह दो, इसका जब परिभाषा लिखेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो औगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके, दो औगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके दो नए औगिक का निर्माण करते हैं, दो नए औगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलो लिखते हैं इसका परिभाषा, इसका परिभाषा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें दो औगिक, दो औगिक अपने अपने आयनों को, अपने आयनों के विनियम, विनियम और विनियम के मतलब होता है, या बोल सकते हैं आदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान करके दो औगिकों का निर्माण करते हैं, आदान प्रदान करके दो नए औगिकों का निर्माण करते हैं, दो औगिकों के निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
कारा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो औगिक क्या करते हैं तो अपने आयनों की विनियम मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब लेन देन करके दो नए औगिकों के निर्माण करते हैं, क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, या बोल सकते हो उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि दो औगिक क्या करेंगे, दो औगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होगा? अब यहाँ से देखा जाए तो सोडियम को हम लोग लिखेंगे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सिल्वर यहाँ होगा प्लस और नाइट्रेट होगा माइनस। यही क्या करेगा तो अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, अपने जो आयन है वो लेन देन करेगा। लेन देन कैसे करता है, इसे देखो। मान लिया जाए इसमें एक प्लस एक माइनस है तो इसमें क्या हुआ कि जो आयन का लेन देन करेगा तो ध्यान रखिए कि प्लस वाला है, प्लस वाला के नज़र केकरा पास गड़ेगा, माइनस वाला। अब बताइए कि जब एकर नज़रिया एकरा पास गेल है ध्यान से, जब इसका नज़र किसका, सोडियम के, जब सोडियम के नज़र है माइनस वाला पर तो फिर माइनस वाला के नज़र कहाँ, प्लस वाला के नज़र कहाँ जाएगा, माइनस वाला के, मतलब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। जो आगे नया बनाया है वो बनेगा NaNO3, क्या बनेगा NaNO3। अब Ag है वो केकरा साथ, Cl के साथ में होगा तो AgCl, AgCl। अगर नाम इसका लिखे तो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। ए जो बना है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, चलो सोडियम नाइट्रेट। चलो एक बार फिर से, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो औगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके विनियम या लेन देन करके दो नए औगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो क्या बनेगा, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। चलो इसका अगर एग्जाम्पल और देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल एक और देते हैं, चलिए। चलो इसका एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। तो अगर हम बेरियम क्लोराइड को,
बेरियम क्लोराइड को अगर सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट के साथ में अगर रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, फिर से आयनों का आदान प्रदान होगा। तो आयनों का सबसे पहले इसको तो पहचानना होगा कि इसमें आयन कैसे होगा। तब बी ए प्लस और सी एल माइनस एन ए प्लस और एस ओ फोर माइनस, फिर से वही बात कि प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या बनाएगा, तो बना लेगा बी ए एस ओ फोर, बी ए एस ओ फोर। अब यहाँ से जो बनाएगा एन ए सी एल के साथ, तब बना लेगा एन ए सी एल। अब क्लोरीन यहाँ दो है जबकि क्लोरीन यहाँ एक है, तब यहाँ दो से गुना कर देंगे। अब सोडियम दो हो गया तो यहाँ सोडियम दो है, उसके बाद बेरियम एक है, बेरियम एक, चल ठीक है। नाम अगर लिखना रहे तो नाम लिख देते हैं, चलो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसका अगर नाम लिखे सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, अब इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ए था चौथा अभिक्रिया, यहाँ तक तो हो गया ठीक है। इसका अगला जो रिएक्शन है, अगला अभिक्रिया है पांचवा, वो है अवक्षेपण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। चलिए अगला है अवक्षेपण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। चलो इसको परिभाषा लिखते हैं, इसमें क्या होगा, तो होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, कोई प्रतिफल, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, ठोस के रूप में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में बिलियन से, बिलियन बिलियन से पृथक हो जाता है या अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया
क्रिया कहलाती है। चलो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल इसमें क्या होगा। परिभाषा तो देख लिए कि उच्छेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। तो चलो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाए तो यहाँ से बनेगा AgCl और बन जाएगा NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड बना है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ से ये एग्जाम्पल उभय विस्थापन में दिए थे उसका भी है उदाहरण, और ये आ गया किस में, अवक्षेपण अभिक्रिया में। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाली जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, तो उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। और उस अवक्षेप को हम लोग दिखाने के लिए तीर चिन्ह नीचे की ओर लगाते हैं। चलो नाम इसका अगर लिखा जाए सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। अगर कभी कभी ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है सफ़ेद। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होगा। ये होगा सोडियम नाइट्रेट। तो ये था पांचवा। ये पांचवा अभिक्रिया था। तो एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है भाई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।